एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और ये ब्लॉग भी मेरा 14 मई का है। तो यहाँ मेरे हाथ में है ग्लास बॉटल जो कि बच्चे डाल देते हैं इधर उधर, और ये रखी है प्याज कटी हुई, लहसुन किस राय से आने के बाद फिर किचन मतलब चाय बनाई, नहाया, फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर, और अब मैं उठी हूँ 1.5 घंटे के बाद। तो प्याज काट के रखी मैंने, और मैं काम करते करते जो है ना, मैंने कहा चलो शाम का ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। और अब कि मैंने जो है 2 तारीख को ब्लॉग बनाया था दिवाली का, फिर उसके बाद मैंने वीडियो ही नहीं बनाई थी कोई भी। इतना ज़्यादा गला ख़राब था, गले में दर्द था, पता नहीं क्या हो रखा था, हल्का हल्का फीवर और गले में दर्द, जो कि दर्द बहुत ज़्यादा था। पानी भी अच्छे से नहीं पिया जाता था, आवाज़ भी नहीं निकलती थी, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर वीडियो में वॉइस ओवर कैसे करूंगी, तो कहा चलो छोड़ो, वैसे वीडियो तो बन जाती लेकिन फिर क्या है, वॉइस ओवर करनी पड़ती, और ऐसे भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो अभी मैंने यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ चाय। नैमिष राय से आने के बाद वही समोसे खाए गए, पेप्सी पी गई, फिर लेट के सो गई थी। और गर्मी में जब धूप में बाहर निकलो तो मुझे तो बहुत तेज़ सर दर्द होता है, बहुत भयंकर वाला, जो कि बंद नहीं होता, ये चीज़ें बहुत दर्द होती हैं। तो मैंने कहा चलो चाय बनाऊँ, वैसे तो गर्मी बहुत हो रखी है, और टाइम अभी हुआ है 3:15। तो मैं यहाँ पे रखने जा रही हूँ थोड़ी सी चाय, और अब बनाऊँगी शाम का खाना, थोड़ी सी पनीर बनेगी। मेरे बच्चों को पनीर के अलावा कोई और चीज़ नहीं पसंद है, कुछ भी हो, कोई भी त्यौहार हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, मेरे घर में ज़्यादातर पनीर ही बनती है। पर अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी आ रही है, अभी भी मैं दवाई खा रही हूँ, खांसी अभी भी आती है, बहुत ज़्यादा आती है, रात में जब सोते टाइम खांसते खांसते मैं उठ के बैठ जाती हूँ, जबकि 2 सिरप मैं पी चुकी हूँ, पता नहीं क्या हो रखा है इसमें, यहाँ पर ये दर्द रहता है, ये चीज़। और नहा के मैंने ये वाला सूट पहना है, सूट में ऐसे जो ना पेट काफ़ी निकला निकला सा लग रहा है मेरा, ऐसे इस वाली जो है ना कुर्ती के साथ वाइट ही सलवार थी, ब्राउन कलर की मैंने अलग से मैच कराई थी, वरना ये पूरा सूट जो है वाइट ही था, सिर्फ इतना वर्क है। इनका जब कलर वगैरह छूटता है मोतियों का, मोती कच्चे होते हैं, फिर बहुत बेकार लगता है सूट। और मैं गई थी कपड़े, मैंने नहा के मशीन में जो डाले थे ड्रायर के लिए, जैसे मैंने ड्रायर में डाले वैसे लाइट चली गई, और फिर आई है, चला दूँ सूख जाए, नहीं तो फिर पड़े रहेंगे। अभी भी थोड़े से सुबह के पड़े हैं, और पता नहीं जब से मैं नए मिश्रा से आई हूँ, जानवी मुझे मेरे कमरे में नहीं जाने दे रही है, पता नहीं, मैं इधर ही बैठी हूँ पापा के कमरे में, कह रही उसमें जो है ना मम्मी शाम को जाना सरप्राइज है, तो चलो आप लोग भी देखिएगा क्या सरप्राइज है, क्योंकि मुझे ही नहीं जाने दे रही है। जब मैं जो है मंदिर गई थी उसके बाद जानू ने और आर्य ने मिलके पता नहीं क्या उसमें किया है, शायद कुछ डेकोरेशन ही की होगी, मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ अब वो जो है ना बाद में दिखाएगी। मैं 2-3 बार सोच चुकी हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, कहती मम्मी जो है ना बाद में जाना शाम में। जो मैंने सुबह दिखाई थी वो साड़ी गई थी, हमारी बिटिया रानी पीको करा के लाई हैं, कह रही थी मम्मी शाम में यही पहनना, ब्लाउज़ तो नहीं है क्योंकि भाई सुबह मतलब कल लेके आए थे, मैंने सुबह दिखाई है तो ब्लाउज़ तो नहीं है इसको, मैं जो कंट्रास्ट वाले ब्लाउज होते हैं उनके साथ पहनूंगी। तो गई थी दोपहर में पीको करा के लाई है, बच्चे भी जो है ना बड़ा अजीब और गरीब हरकतें करते हैं, जब से जानवी हुई है मतलब बड़ी हुई है समझदार हुई है तब से वो ये मेरा जो है ना एनिवर्सरी वगैरह मनाने लगी, पहले तो मैं कभी नहीं मनाती थी, ना ही मेरी फैमिली में कोई मनाता था, कोई कुछ नहीं करता था। आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर वीडियो देखिए, साथ में अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलो मैं तो चाय छानने जा रही हूँ, और आप लोग भी आ जाओ फटाफट चाय पीने, शाम की चाय। अब की जो है मैंने गर्मियों में बंद कर दी थी पीनी बिल्कुल, अब की हमारे घर में शाम में बिल्कुल नहीं बनती थी, करीब जो है ना 1.5 महीना हो रहा है नहीं बनती है शाम की चाय, ऐसे ही कभी कभार बन जाए, वरना बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन आज मैंने बना दी है, देखिए मैंने छान भी लिया है। और चाय पीने के बाद यहाँ पर मैंने शुरू कर दी है शाम के खाने की तैयारी, तो पनीर के साथ साथ मैं बना रही हूँ थोड़ी सी दाल, जो कि साबुत काली उड़द और राजमा डाल के बनती है दाल मखनी,
तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा अदरक लहसुन कूट लिया है क्योंकि दाल मखनी में अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं 4, हरी मिर्च, तो मैंने दोनों चीज़ों का तड़का इकट्ठे काट लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पनीर धो के काट लिए है, तो पनीर के टुकड़े ना तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काटती हूँ ना ही छोटे, मैंने मीडियम काट के रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है दाल, क्योंकि ये जो दाल है मैंने भिगोई भी नहीं थी, मैंने ऐसे ही धुल के चढ़ा दी है कुकर में, और ये वाली दाल गलने में टाइम लगा है। तो दाल मैंने पहले चढ़ा दी थी और उसके बाद यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ पनीर में। तो आज जो है मटर नहीं मिली थी, वैसे भी गर्मियों में मटर मिलनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, फ्रोजन वाली मिल जाती है कभी कभार जो फ्रिज वाली होती है, लेकिन आज वो भी नहीं मिली थी। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी सिर्फ पनीर बना रही हूँ, ग्रेवी वाली जो मसालेदार पनीर बनती है गाढ़ी गाढ़ी सी। और आज प्याज मैंने कद्दूकस करके ली है, वैसे मैं पेस्ट बना के रखती हूँ लेकिन आज मैंने कद्दूकस कर ली थी। और टमाटर लिए हैं मैंने 3 पनीर के लिए, और एक मैंने छोड़ दिया है दाल के लिए। और हरी मिर्च यहाँ पर मैंने ली हैं 2-3। तो अच्छे से सबको मसालों को पकाने के बाद फिर मैंने पेस्ट डाल दिया था मसालों का, जो मैंने सूखे मसाले पाउडर होते हैं उनको मैंने घोल के रखा था, तो उनको मैंने डाल दिया है और अच्छे से पकाया है करीब 5-7 मिनट तक। और अच्छे से मसाले पक चुके हैं, तेल छोड़ दिया है मसालों ने, तो फिर मैंने पनीर डाल दी है। और पनीर मैंने कच्ची ही डाली है, मैंने पनीर फ्राई नहीं की है। और वैसे भी ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में फ्राई की हुई पनीर नहीं पसंद करता है कोई भी, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत कम फ्राई करती हूँ, वरना मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और इसको मैंने अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है पनीर को, ये वैसे भी फ्राई हो चुकी है इस तरीके से तेल में। और वैसे अब कि मैंने काफ़ी टाइम से इस तरीके से बनाई भी नहीं थी, ज़्यादातर मेरे घर में आपकी मखाने वाली बनती थी जो कि जानू को बहुत पसंद है, वो बोल भी रही थी कि मम्मी मखाने वाली बना दो, लेकिन क्या था मखाने नहीं थे, फिर मुझे मंगाने पड़ते, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाते हैं आज। तो पानी वानी डाल के मैंने ढक दी थी पनीर, और ये देखो ये कर रहे हैं किचन में पंखे का जुगाड़, हवा का जुगाड़, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लगती है। तो ये उठा के लाए थे दुकान से जो बैटरी वाला पंखा होता है, तो वो उठा के लाए हैं। और अभी इधर ये मेरी पनीर जो है ना लगभग पकने को आई है, बस थोड़ी सी इसमें ग्रेवी पतली है, पनीर जो है ना लगभग बन चुकी है, ग्रेवी थोड़ी सी पतली है, थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और गर्मी की वजह से ये देखो पंखे का जुगाड़ करके गए हैं, बैटरी वाला पंखा है तो लगा के गए हैं, यहाँ पे अच्छी हवा आ रही है, अब जो है ना गर्मी नहीं लग रही है, सीधे जो है ना फेस पे हवा लग रही है तो पसीना भी नहीं टपकेगा, वरना जब रोटी बनाओ तो पसीना फिर टपकना शुरू होता है, बंद नहीं होता है, बहुत पसीना निकलता है जब तक 10-15 मिनट रोटी बनाओ, 20 मिनट सब्जी बनाओ, दाल बनाओ तब तो चलो बीच बीच में बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन जब रोटी बनानी पड़ती है तो फिर कंटिन्यू खड़ा होना पड़ता है 15-20 मिनट, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उससे जो है ना राहत मिल गई, ये काम अच्छा हो गया। तो पनीर बनाने के बाद मैंने उसी कढ़ाई को धोकर वापस से यूज कर लिया है दाल में तड़का लगाने के लिए। तो सिंपल सा तड़का जैसे कि लगता है, हींग जीरा डाल के, साबुत वाली लाल मिर्च, और जो मैंने तड़के में काट के रखे थे प्याज टमाटर अदरक लहसुन, तो बस सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मैंने पका लिया है, और थोड़े थोड़े से मैंने मसाले डाले थे। और जब तड़का अच्छे से हो चुका है तो मैंने दाल डाल दी है, और ये जो दाल है अभी पतली है, और वैसे भी दाल मैंने भिगोई नहीं थी, मैंने ऐसे ही बनाई थी, तो ये थोड़ी सी भी पतली है, इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी। और थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पे दाल जो है गाढ़ी हो चुकी है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ फ्रेश मलाई, क्योंकि दाल मखनी में ढेर सारी क्रीम जाती है और इससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो फिर मैंने ताजे दूध की मलाई को फेंट के डाल दिया है, और मलाई डाल के भी मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊँगी अच्छे से। और अभी यहाँ पर मैंने पहन ली है साड़ी जो कि इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, वैसे तो पार्टी वगैरह कुछ नहीं है, किसी को नहीं बुलाया है, लेकिन बस ऐसे ही मैंने थोड़ी देर के लिए पहन ली क्योंकि मेरा मन कर रहा था, और जानू भी इसको पीको करवा के लाई थी, तो इसको मैंने पहन ली है एक दूसरे ब्लाउज के साथ जो कंट्रास्ट के ब्लाउज होते हैं, तो उसके साथ मैंने इसको पहन के देखा है, तो कुछ इस तरीके से लग रही है ये, मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी खाना वगैरह बन चुका है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये साड़ी पहन ली है जो ये लेके आए थे, कल लेके आए थे शाम में, तो मैंने अभी पहनी है, मैंने सोचा चलो मैं इसको पहन के देखती हूँ क्योंकि जानवी इसको जो है ना पीको करवा के लाई थी, तो मैंने इसको अदर ब्लाउज़ के साथ पहन के देखा है, मुझे तो अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। वैसे कहते हैं कि जो मन को अच्छा लगे वो करना चाहिए, मुझे लगता है तो मुझे अच्छी लग रही थी, मेरा मन कर रहा था पहनने का कि चलो इतने मन से लेके आए हैं तो मैं पहन के देखती हूँ। तो अभी जो है ना तैयार हो गई हूँ, बस केक वेक काटूँगी, उसके बाद खाना पीना होगा, तो आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा कि वाली साड़ी कैसी लग रही है,
बिल्कुल प्लेन है, मैरून भी कलर नहीं इसका, थोड़ा सा डार्क जो है ना प्याजी कलर सा है, पर कलर मुझे इसका वाकई में बहुत प्यारा लगा। जल्दी जल्दी में मैंने पहनी है तो ढंग से मेरे से पहनी भी नहीं गई है। और उसके बाद यहाँ पर हम दोनों लोग केक काटने जा रहे हैं, जानू कैंडल जला रही है। तो अभी जो है ना, मैंने पहले भी कहा है कि किसी को नहीं बुलाया है, सिर्फ फैमिली में ही हैं, बच्चे हैं, हम दोनों हैं। वैसे भी मैं जो है ना एनिवर्सरी मनाती भी नहीं हूँ, 5-6 सालों से ऐसे ही मनती है बच्चों के साथ। बच्चों के बर्थडे पर मैं सबको बुलाती हूँ, और एनिवर्सरी पर क्या होता है भाई, एक दूसरे को माला वगैरह पहनाई जाती है और बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ अच्छा लगता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ रिलेशन वालों को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम फैमिली मेम्बर्स हैं, तो बस मैंने बहुत सिंपल तरीके से वो भी बच्चों की जिद पे जो है ना केक वगैरह मंगाया था, तो केक कट चुका है और उसके बाद यहाँ पे बच्चों को खिला रहे हैं। और उस वाले रूम को मैंने अभी भी नहीं शेयर किया है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि नहीं चलो छोड़ो, इसको नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि वो जो रूम है थोड़ा सा पर्सनल हो गया था, उसमें कुछ ज़्यादा ही जो है ना डेकोरेशन हो गई थी, बच्चों की जगह इन्होंने करवाई थी, मुझे भी नहीं पता चला था। इन्होंने जब मंदिर लेके गए थे तो पीछे से इन्होंने फूल वाले माली भैया को बुला के करवा दी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना पर्सनल हो गई थी, तो फिर मैंने नहीं ऐड की इस ब्लॉग में। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, जैक को भी केक खिला रहे थे, क्योंकि जैक जो है ना इनको बच्चों से भी ज़्यादा लाडला है। और फिर हम लोग आ गए हैं इधर बाहर वाले मतलब आंगन में, क्योंकि अब खाना पीना होगा। और ये देखो हमारी थाली लग चुकी है खाने की, और खाने से पहले मतलब हम लोग जो है ना पहले जैक को देते हैं, तो ये देखो पहले जैक की प्लेट लग गई है, खाना सबसे पहले ऐसे भी जैक को पहले ही दिया जाता है, तो ये देखो जैक खा रहा है यहाँ पर। और अभी इस वाली वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ, तो चलो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।